कह रहा है कि झुझंझा की डायन ने मर्डर किया। मैं नहीं जानता कि वहाँ डायन प्रेत या कौन था, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इन छह व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई सातवां व्यक्ति वहाँ अवश्य था। उस जंगल में कोई है सर, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं गया था। समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर केरी क्यों बचाना चाह रहे हैं इस लकड़हारे को। कहाँ रहते हैं आपके माता पिता? यही पास में डेरे सराय में। आइए छोड़ देता हूँ आपको। अब समझ में आ रहा है कि विवाह के पहले रात ही आपको आपके पति ने घर से क्यों निकाल दिया। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ डायन जी, एक तो आप डायन लग नहीं रही, दूसरा कि आपको देखकर भय नहीं लग रहा। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भय तो मुझे होना चाहिए लेकिन आप डर रही है, क्यों सर? मैं मार दूंगी, आगे मत बढ़ना। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरे छोड़ो दोस्त, आप इस जंगल में अपने डंडे के साथ क्या कर रहे हैं? डंडा तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के सर के पीछे पड़ जाए तो वो अवश्य बेहोश हो जाएगा। कहीं आपने कल रात को मुझे आपके साथ जो हुआ है बाबू साहब, वो इस डायन का काम है। इस झुझरिया गांव का बच्चा बच्चा उस डायन के बारे में जानता है। मेरे दोस्त, डायन वायन कुछ होती नहीं है, किसी इंसान का धोखा है। और धोखा नहीं होती है बाबू साहब, भगवान का शुक्र मनाइए आप जिंदा हैं। जल्दी मिलते हैं अदालत में। सर, आपको क्यों लगता है कि वो औरत डायन नहीं? चलते चलते नॉर्मल से भयानक रूप बदलना। हाँ, मुझे लगता है कि वो डायन नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में एक पोटली थी जब मैंने उसे देखा और जब झमक सिंह ने उसे देखा था। पोटली? हाँ, पोटली। तू जानता उस पोटली में क्या था? उसके उसका मुखौटा, उसके वो नकली नाखून वाले दस्ताने, लंबे लंबे बाल, सब उसकी पोटली में था। क्योंकि फिर जब मैंने उसे डायन के रूप में देखा तो उसकी पोटली थी नहीं यार। चमक सिंह ने भी जब देखा था महिला को तब पोटली थी, और जब डायन को देखा तो पोटली नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि कोई डायन वायन नहीं है वरुण, ये सब इंसानी खेल है। इसका शिकार पहले वैभवी बनी और फिर चमक सिंह। अदालत में तुमने झूठ कहा था ना कामिनी, कि परमीट टेंट में सो रहा है। बोलो कामिनी। प्लीज रियाज, परमीट ने मुझसे कसम ली है, आई लव हिम। मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी मुश्किल में फंसे। पर कामिनी, कामिनी, अगर वैभवी की मौत में उसका हाथ हो तो कम ऑन कामिनी, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाले, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? Anyways, मुझे नहीं लगता कि वैभवी के मर्डर में परमीत का कोई हाथ है। ये जरूर इस लकड़हारे का ही काम है।
नमस्कार मंत्री जी। हाय 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 डायन हो आप साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार त्यागी साहब, कहिए क्या बात है? अब बात तो शायद आप भी समझते नवाब साहब, ये भूत प्रेत की कहानियाँ और उसके बाद फिर उस लड़की का मर्डर हो जाना, ये सब देखकर सरकार ने फैसला किया है कि जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाएंगे, उसके लिए दूसरी जगह सरकार देख रही है। अब अगर आपको रिसॉर्ट के लिए जगह चाहिए तो आप सरकार से ये ज़मीन परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब, मैं कल ही आपके दफ्तर आ जाता हूँ हमारे रिसोर्ट के सारे कागजात लेकर। एक बात समझ में नहीं आ रही, इस जंगल को लेकर जब इतने विवाद हैं, भूत प्रेत डायन, उसके बावजूद आप यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहते हैं? आपको टूरिस्ट मिलेंगे? इसकी फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए। जंगल में रह रहे गाँव वाले महीपाल और उसके आदमी, इनको आप निकाल सकेंगे? गांव वालों को कैसे निकालना ये हम जानते हैं, उसकी फिक्र आप ना करें। आप बस किसी भी तरह ये ज़मीन हमें सरकार से दिलवा दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। और आप तो जानते हैं, हमारी खुशी के साथ हम आपको भी खुश कर देंगे। तो भाग क्यों रहा है? उस दिन जंगल में तू ही था ना? हाँ मैं ही था। इस जंगल में क्या करने आया था? मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या? मेरा फोन। फोन? मेरा फोन। हेलो, मुझे लोन नहीं चाहिए। तू तो अपना फोन ढूंढने के लिए जंगल में आया था? हाँ, उस रात घूम गया था। अब महंगा फोन ढूंढने में कोई गलत बात तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसके लिए अदालत में झूठ बोलने की भी कोई बात नहीं थी। फोन दे। बात है, आप तो बहुत प्रगतिशील निकले। डायन के साथ फोन चैट, ये रिकॉर्डिंग मेरे फोन पर कैसे ही मुझे नहीं पता। और ये फोन वैभवी की डेथ से गायब है सर। ये तो है, जहाँ टेंट्स थी वहां से कुछ दूरी पर ये फोन पाया गया। ऐसा कैसे? और आपके कथन के अनुसार आप टेंट में ही सो रहे थे, तो फिर आपका दूरभाष यंत्र इतनी दूर कैसे चला? कोई उत्तर नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा कुछ। मैं बता दूं, क्योंकि आप टेंट में नहीं थे, आप दूर ही थे दूरभाष यंत्र के साथ। क्या कर रहे थे बताइए? मैं एक्चुअली अपने फोन पर सिग्नल ढूंढ रहा था। क्यों, किसे सिग्नल भेजना चाह रहे हैं? सर मैं बताना नहीं चाहता था, एक्चुअली नेक्स्ट वीक मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, जिसका पेपर एक एग्जामिनर आउट कर रहा था, बस उसी के साथ इंटच होने की कोशिश कर रहा था मैं उस रात। डैम, नो सिग्नल। किसे कर रहा है फोन? डैड को। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर देकर आता हूँ, शायद कहीं नेटवर्क मिल जाए।
सॉरी सर, वो एक्चुअली ना फोन आउट ऑफ रीच था। वो मैथ्स का पेपर हुआ, 20,000 कुछ ज्यादा नहीं जी। ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, मैं परसों आके आपको पेमेंट कर दूंगा। हेलो, फिर क्या? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? डायन आपने देखी और एक डायन आपके दोस्त रियाज ने जंगल में देखी और धमक सिंह ने एक डायन वैभवी के टेंट में देखी। तो साहब ये कितनी डायन है जंगल में? तीन? क्यों मिस्टर भाटक? पता नहीं शुक्ला जी, मैंने तो एक ही देखी थी। आपकी मुलाकात हुई डायन से? नहीं यार, मैं उत्सुक था उनके साथ परिचय करने के लिए, किंतु मुझे देखते ही वो भाग गई। क्या कह रहे थे आप कि आप उस रात टेंट में नहीं जंगल में थे? जी सर। सर इसलिए मैं वैभवी को नहीं मार सकता। आपकी जो प्रेमिका है कामिनी जी, उन्होंने कहा था अपने कथन में कि आप नींद की गोली खाकर टेंट में सो रहे थे। झूठ बोला था ना उन्होंने? तो झूठ क्यों बोला था? सर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था झूठ बोलने के लिए, ताकि शक मुझ पर ना आए। अब तो ये शक, ये संदेह केवल आप पर नहीं कामिनी जी पर भी है। हो सकता है, संभव है कि कामिनी जी ने ही हत्या की हो वैभवी। लेकिन ये कैसे संभव है? शुक्ला जी, झमक सिंह ने अपने कथन में कहा था कि उसने वैभवी के टेंट के बाहर किसी महिला का साया देखा था, खुले बाल। खुले बाल इसी प्रकार के जिस तरह के कामिनी के, तो संभव है कि वो साया कामिनी ही थी। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं है इस तरह से कुल्हाड़ी को उठा करके वार करना। क्यों नहीं उठा सकते? इतना भारी तो नहीं लगता मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये मैंने नहीं किया, क्षमा चाहता हूं, ये ढीला हो गया लगता है। मिस्टर पाठक, केस अभी वही टिका है जहां पहले टिका हुआ था। आप कामिनी और परमीत पे इल्जाम लगा के ये नहीं कह सकते कि इन्होंने उसका खून किया है, जबकि असल में खून जमक सिंह ने किया है डायन के डर से। राजी, डायन का डर तो केवल जमक सिंह को नहीं, कई और लोगों को भी है। रियाज, परमीत, मेरे सहायक वरुण को भी, और कुछ हद तक मुझे भी। और कुछ कुछ मैं भी परिचित हूँ जंगल से, उस डायन से। हाँ, बेल चलती है, हवाएं शोर करती हैं, सीटी बजाती हैं। और धुंध चारों तरफ, धुंध में अजीब गरीब विचित्र आकार प्रकार ऐसा होता है। माय लॉर्ड, ये मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? खूनी एक डायन है? जी योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या किसी डायन ने ही की। अब ये
डायन असल है या नकल बनावटी, क्या है इस कहानी के पीछे योर ऑनर? ये तो उस जंगल में जो गांव है उसके जो निवासी हैं महिपाल जी वही बता पाएंगे। सरकार, ये सच है कि जंगल के पास वाले गांव शीतलापुर में ही हमारा जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही हमने जंगल में जो है भूत प्रेतों की कहानियां सुन रखी थी। सरकार, मैंने जंगल में जो कुछ भी देखा उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लकड़हारा बिल्कुल निर्दोष है और ये हत्या जो है उसे डायन ने की है। तुमने क्या देखा जंगल में है? सरकार, 6 महीने पहले मैं उस जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने एक पेड़ के नीचे एक औरत की रोने की आवाजें सुनी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? हाँ, शीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, कहने लगे दहेज नहीं लाई। मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ बहन, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अरे बहन, तुम रुक क्यों गई? समझ गया, मतलब केवल आपके साथ नहीं, हमारी कहानी भी, अजमक सिंह की, मेरी कहानी कुछ ऐसी ही है। औरत के करहाने की, रोने की आवाज, वही दुखड़ा, वही छमछमाते पायल, वही सेम। लगता है कोई मजाक कर रहा है आपके साथ जंगल में। नहीं सरकार, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब आप दोनों बच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जंगल में चुड़ैल का साया नहीं है। मैं उस डायन के हाथों से मरते मरते बचा हूँ, आपको यकीन नहीं है? ये देखिए, ये देखिए। अभी आपको लगता है कि जंगल में मौत का साया नहीं है? देखिए, मेरे अतिरिक्त एक और व्यक्ति है जिन्हें उस जंगल से भय नहीं लगता। अशफाक खान साहब, नाम सुना होगा उनका आपने। योर ऑनर, अशफाक खान साहब को मैं इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, नवाब अशफाक खान अब हां झुझरिया की धरती पर एक आलिशान रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। जी, पर फिलहाल तो वो जगह सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए रख छोड़ी थी। सुना है ऐसा नवाब साहब कि ये जो घटनाएं घटी, जो कहानियां सुनने में आई कि भूत प्रेत डायन द्वारा हत्याएं हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी योजना टाल दी है कॉलेज बनाने की। नवाब साहब, आपको डर नहीं लगता? ये भूत प्रेत डायन से चिंता नहीं होती आपको? जी नहीं। हाँ, होगी भी क्यों, आप तो जानते हैं ये सब झूठ है ना? जी नहीं, पर जनाब, 2-4 हादसों की वजह से क्यों हम अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से जाने दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिग्दर्शन आप ही के कहने पर चल रहा है? क्योंकि आप कुछ वर्ष पूर्व वो जो भयानक फिल्में बनती हैं, डरावनी हॉरर फिल्म, वो बनाया करते थे आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही के कलाकार आपके आकर के यहाँ बस गए हो झुझरिया में? ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला क्यों इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? आप ही ने तो कहा करोड़ों का सवाल है, करोड़ों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। मिस्टर पाठक, आप क्यों एक किस्सेदार बिजनेसमैन पर तोहमत लगा रहे हैं? वैभवी का खून इन्होंने नहीं किया, बल्कि उस रात ये वहाँ मौजूद थे ही नहीं। ये नहीं थे वहाँ, इनके प्रतिनिधि इमरती लाल जी जो इनके लिए काम करते हैं वो थे वहाँ। योर ऑनर, उस रात जेकब और रियाज अपने अपने कैमरा से चित्र खींच रहे थे, उनमें से एक चित्र ये, जरा जूम करना चाहूंगा। वो व्यक्ति जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, अब वो आप ही हैं, आप ही थे जंगल में, या आपके रूप में कोई प्रेत है, भूत है, कौन है? आप ही हैं?
आप थे ना जंगल में, तो क्यों झूठ बोल रहे थे कि आप जंगल में नहीं? वो क्या हुआ कि वो हमें वहाँ नवाब साहब ने भेजा था। क्या है कि जंगल में आए दिन भूत प्रेत के हाथ से होते रहते हैं, इसलिए नवाब साहब जानना चाहते थे कि ये सचमुच है या किसी का बनाया हुआ खेल है। तो नहीं, पर ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वैभवी की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें क्यों मारा? नहीं वकील साहब, भगवान कसम हमने उसको नहीं मारा था। हम तो वहाँ से निकल गए थे, फिर बाद में क्या हुआ हमें नहीं पता। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, हो गया आपका ये सब? हो गया? अरे कितनी बार आप यहाँ लोगों को खड़ा करके हमें ये सुनवाएंगे कि खून मैंने नहीं किया, खून मैंने नहीं किया, खून धर्म सिंह ने किया है, हाँ कितनी बार? माय लॉर्ड, अब यही बात मैं इसकी बेटी के मुंह से सुनवाना चाहूंगा। जज साहब, जब से हमारे बाबा ने उस डायन को कुछ महीने पहले जंगल में देखा है, तब से वो अपनी आवाज खो बैठे, यहाँ तक वो अपना सुख बुद्ध भी खो बैठे है। वो रात रात भर उस डायन के सपने देखते हैं, यहाँ तक एक बार वहम में आके वो मुझे ही डायन समझ बैठे, मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की है। मेरे बार बार चिल्लाने पर कि बाबा मैं आपकी बेटी महुआ हूँ, कोई डायन नहीं हूँ, तब उनके होश ठिकाने आए। जज साहब, हमें लगता है कि हमारे बाबा को शायद फिर से उस रात दौरा पड़ा और इसके तहत गलती से उन्होंने उस लड़की को डायन समझा और अपनी कुल्हाड़ी से बहुआ, ये क्या कह रही है तुम? जज साहब, हमारे बाबा ने ये जान मुझकर नहीं किया है, वो बीमार है, उन्हें कम सजा दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए जज साहब, उन्हें फांसी पर मत चढ़ाइए जज साहब, फांसी पर मत चढ़ाइए। सुन लिया मिस्टर पाठक, या अभी ये और कुछ कहने सुनने को बाकी है? अरे जब बेटी अपने बाप के खिलाफ जा रही है तो आप इस आदमी का क्या साथ देंगे? ये अदालत सोमवार दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। से मैंने रियाज, जैकब, परमीत, कामिनी चारों से बात की, चारों में से किसी ने भी उस तौली को नहीं छुआ। चमक सिंह ने भी तौली को नहीं छुआ। किसी न किसी ने तो वैभवी के घाव को रोकने का प्रयास किया, तभी तो तौली पे नहुं आया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है जब वैभवी पर हमला हुआ तो उसने खुद उस जख्म को रोकने के लिए तौली का? नहीं, असंभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वार लगते ही तुरंत वैभवी की मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब यह होता है कि हत्यारे ने ही उपयोग किया था उस तौलिए का। सर, मतलब मर्डरर ने पहले कुल्हाड़ी से जख्म दिया वैभवी को और फिर उस जख्म को रोकने के लिए उस तौलिए का इस्तेमाल किया? ये तो विचित्र बात है। पहले वार करना, फिर बचाने का प्रयास करना, क्यों कोई है? कम इन। ये क्या किया आपने अदालत में महुआ जी? अपने पिताजी के विरुद्ध क्यों बोली आप? साहब, अदालत से पहले शुक्ला साहब हमसे मिले थे। ए लड़की सुन, तू चलोगी तो तू जानती है ना कि तेरा बाप कानून की गिरफ्त में आ चुका है, फांसी पक्की है उसे। आप मेरे बाबा को फांसी की सजा मत दीजिए। चल, नहीं नहीं देता, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरे बाप की सजा कम करवा सकता हूँ। कैसे?
तुझे अदालत में सिर्फ इतना कहना है कि तेरे बाप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ भी पागलपन का बहाना कर देना। फिर देख, ना तो तेरे बाप को उम्र कैद होगी और ना ही फांसी की सजा होगी, और हो सकता है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दे और वहां से रिहा भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, पूरा केस मेरे हाथ में है। बोल, तैयार है? जी। गुड। शुक्ला जी, अपने लाभ के लिए आपको दुरुपयोग कर रहे थे, इतना नहीं समझिए आप। केस और भी बिगड़ गया। साहब, ये मुझसे क्या हो गया? आप क्या होगा साहब? साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए साहब। एक ही तरीका है, समस्या का समाधान जंगल ही करेगा। दूर में जंगल जाएंगे और जब तक उत्तर नहीं मिल जाता वहीं रहेंगे। रुको, इतनी रात को जंगल में कहां जा रहे हो? मैं पता नहीं, भूतों का इलाका है। अरे भाई, देरा सराई से हमें रात की बस पकड़नी है, अगर देर हो गई तो बस छूट जाएगी। जंगल से गुजरे हमारी जान छूट जाएगी। अरे भैया, अपने गांव में हम बहुत खेले ये भूत प्रेत से, हमको कुछ नहीं होगा। समय जंगल आ गया। क्या आप लोकेट कर पा रहे हैं कि इस वक्त मैं जंगल में कहाँ हूँ? हाँ वरुण, तेरी लोकेशन का क्लियर आइडिया है। सब, आप तो वहाँ शाम से हैं। कुछ अजीब देखा आपने? नहीं, अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है शो 9 बजे के बाद ही शुरू होगा। अच्छा सुन, जहाँ तुझे धुआं दिखे उस ओर मत जाना, मुझे बताना पहले। क्यों सर? क्योंकि अगर तू उस तरफ गया तो वो चौकन्ने हो जाएंगे। हमें उनका खेल उनके नियम से खेलना है। ओके सर। अब तू धुएं की उल्टी दिशा में जा, मैं धुएं की ओर जाता हूँ। ओके सर। वरुण, इस जंगल के रूहानी धुएं का राज मिल गया। सर, यहां पायल की आवाज आ रही है। रुक, मैं आता हूं। खुफिया आवाजें थी जंगल में, उसका सोर्स मिल गया। डायन का साउंडट्रैक, वहां क्या चल रहा है? सब सर। सर क्या आ गया तो बोल। सब झाड़ी में किसी का सर है। सर देख, ठीक से देख।
पर मास्क है। डायन के किसी रिश्तेदार का होगा। वो आगे बढ़ने पीछे पीछे आ रहा। पीछे मत देखना, तेरे पीछे ही हूँ मैं। कुछ ही देर में तेरे पैरों के पास एक बेल आएगी। तेरे पांव के पास पकड़, पकड़। तो किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ा होगा। जो भी था भाग गया सर, लेकिन जलती हुई बेलों का सीक्रेट पता चल गया। कोई नहीं, काले धागे से खींच रहा था। वेल डन, मेरा अनुमान सही निकला। बहुत जल्द डायन के भी दर्शन हो जाएंगे। आ रहा मैं। डायन मेरे सामने। वरुण, बड़ा सावधानी से, घबराहट। क्या हुआ बहन? आज शीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे दहेज नहीं लाई, मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा, कहाँ? पास के डेरे सराय में। आप पहुँचा देंगे? चलो मेरे पीछे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पीछे आ रही है। तेरे पीछे डायन है, डायन के पीछे मैं। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर। अरे बहन, क्या जमाना आ गया। लालच ने लोगों को अंधा बना दिया। कि मैं तो कहता हूँ दहेज जैसे रोग को तो इस देश से उखाड़ फेंका चाहिए। तुम घबराओ मत बहन, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई। सभी क्या कर रही है? वही जो मैंने तुझसे कहा था, पुटली में से अपना नकाब निकाल कर पहन रही है। तुम चलता जा। बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम ही रिश्ता तोड़ दो। अरे क्या फायदा ऐसे लालची पति का, जिसने शादी के पहले दिन ही अपना असली रंग दिखा दिया। तैयार हो जा, बहन तैयार है। वरुण पलट। क्या हो बहन, तुम रुक क्यों गए? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। कमाल है। ये लाइन तो मैं बोलने वाला था। बचाओ, बचाओ। वो गए, प्रस्थान कर चुके वो भयभीत होकर। जाने दो, जाने दो मुझे। जीवन में पहली बार डरी हुई डायन देखा। अब बताइए बहन जी, शीतलापुर जाएंगी या अदालत? मेरा नाम नैना है। मुझे रोज रात उस जंगल में डायन बनने के लिए पैसे मिलते हैं। बताइए, किससे पैसे मिलते थे आपको? इमरती लाल जी से। ऑर्डर, ऑर्डर। पर
वो ये सब कुछ नवाब साहब के कहने पर करते हैं। नवाब साहब के कहने पर करते थे, नवाब अशफाक खान साहब। तो आपके अनुसार वही है ये ड्रामा के रचयिता? जी, ताकि दूर दूर तक ये बात फैल सके कि वो जंगल भूतों का जंगल है और सरकार उसकी जमीन पर कॉलेज ना बना सके और उन्हें बेच दे। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी है। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए आप। हम तो इनके लिए सिर्फ एक मोहरा है सर, सारा खेल तो इन्हीं लोगों का है। खेल तो अभी भी खेला जा रहा है और वो खेल आप खेल रही हैं हम सब के साथ। जी जी, सत्य तो ये है कि हाँ, आपको रुपए मिलते थे ये नाटक करने के लिए, लेकिन ये रुपए आपको इमरती लाल या नवाब साहब नहीं देते थे। किसने? आपको याद है ना, जब मैंने जंगल में आपको पकड़ा था, आपने अपने बचाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बचाओ, अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अब आप ही बताइए, हिंदुस्तान में, भारत में इस नाम से महिला अगर किसी को पुकारे तो क्या अर्थ होता है उसका? किसको पुकारेगी? अपने पति को। इमरतीलाल जी तो अभी तक कवारे हैं, तो मेरे अनुमान से आपके पति महिपाल जी तो नहीं? महिपाल जी, महिपाल जी। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। अरे देखिए, पहचानिए, ये वही डायन है ना जिसने आप पर हमला किया था, आपको घाव दिए थे। वही है, वही है। जी जी, दिखाइए घाव, दिखाइए एक बार फिर से। अरे बाप रे बाप, बड़े गहरे घाव है। नहीं नहीं, वो गहरे घाव के लिए मेरे पास एक दवा है, अभी लगा देता हूँ। ये देखिए, घाव ठीक हो गया। अब मेकअप लगा के घूमते हैं। भाई मैं सोचूं, जब डायन ही नकली है तो घाव असली कैसे हो सकते हैं? चलिए भाई, बात बताइए, अब ये जो खेला चल रहा था जंगल में, भूतिया जंगल का, ये खेला आप ही ने खेला? आप ही हैं ना मेरे हमलावर? बताइए बताइए, चलिए। हाँ साहब, हाँ, हमने और हमारे परिवार ने मिलकर ही पूरा जाल बिछाया था। वो आवाजें, वो डायन, ये सब कुछ हम ही ले किया था साहब। क्योंकि साहब, जंगल में हमारी दारू की भट्टी है, सरकार उसमें कॉलेज बनवाना चाहती है और ये नवाब साहब उसमें होटल बनवाना चाहते हैं। हमारा धंधा चौपट ना हो जाए, इसी डर से मैंने वहाँ पर भूत प्रेतों का खेल खेलना शुरू कर दिया, ताकि लोग डर जाए और दूर दूर तक वह भटक ना पाए। ताकि आपकी वो दारू की भट्टी सलामत रहे, वो नष्ट ना हो। जी जी, एक मिनट मिस्टर पाठक, एक मिनट। इस सबका वैभवी की मौत से क्या लिंक है कि इन्होंने हमारा? अब ये जंगलों में अपनी दारू की भट्टी बचाना चाहते थे और वो लड़के लड़कियां जा करके टेंट लगा कर वहाँ बस गए थे, इन्होंने उन्हें डराने का प्रयास किया। गलती से हमारा, गलती से। नहीं सर, अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की सर, ना ही मेरी बीवी ने की है। मिस्टर पाठक, अब इन्हें गलत साबित करने की कोशिश कीजिए। मिस्टर पाठक, कि आपने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है, जुजरिया के जंगलों के भूतों का राज, लेकिन वैभव की मौत का राज उसके साथ नहीं जुड़ा है। अरे उसे तो इस लकड़हारे ने मारा है। मिस्टर पाठक, आपका केस वही का वही है, बिल्कुल वही। बोलिए, क्या जवाब आपके पास? उत्तर तो है, लेकिन आप अगर टोकेंगे नहीं तो उत्तर तक पहुंचूंगा। बढ़ू आगे? धन्यवाद। ये जो खेला आपने खेला, उसमें ये भी शामिल था, इसे पहचानते हैं? मिस्टर पाठक, जब उसने हत्या की नहीं तो वो पहचानने का भला कैसे ना, बताइए। शुक्ला जी, अभी अभी तो मैंने आपसे कहा कि मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, टोकिए। मिस्टर
सर पाठक। शुक्ला जी क्षमा चाहता हूँ, मेरी भूल नहीं है, ये कुल्हाड़ी जी ढीली है। मिस्टर पाठक आपका केस ढीला है। गीला नहीं शुक्ला जी, गीला है। हाँ वो जो रुमाल, वो गमछा, टावल जो खून से गीला हुआ था। एक मिनट दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। क्या मिस्टर पाठक, क्या अभी के प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ शुक्ला जी। मुखोटे को पहचानते हैं आप महिपाल जी? नहीं हुजूर। अरे नहीं हुजूर क्या, ध्यान से देखकर बताइए, ऐसे पहचानते हैं? नहीं साहब, ये तो किसी और का है साहब। वो सारी पोशाकें, वो सारा ताम झाम, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं या खरीदते हैं, ये किसी और का है साहब। मुखोटा आपका नहीं है तो फिर नैना जी या... योर ऑनर, मैं नैना जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। मैं जानता हूं कि यह हत्या आपने की और यह बात अदालत में प्रमाणित भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। देंगे आप? बताइए कि जिस रात यह हत्या हुई उस रात आप कहां थे, उस समय आप कहां थे? मैं जंगल की नदी के पास वाले हिस्से पर थी। नदी के पास वाले हिस्से में थी, क्या कर रही थी आप? मैंने उस लड़के को वहां से डराया था। किस लड़के को डराया था? वो कौन? ये परमीत, इस लड़के को? वो उस रात फोन पर बात कर रहा था। कौन है वहाँ? और जब फोन नीचे गिरा तो मैंने उसमें अपनी आवाज, आप ये अदालत जानती है कि उस फोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी वो स्वर आप ही का था। इसका अर्थ ये होता है कि वैभवी के टेंट के पास जो साया डायन का झमक सिंह ने देखा था वो आप नहीं, वो कोई दूसरी डायन थी। जी डायन तो केवल मैं ही हूँ, तो फिर दूसरी डायन कैसे हो सकती है? जी डायन तो केवल मैं ही हूँ, तो फिर दूसरी डायन कैसे हो सकती है? या दूसरी नहीं, यहाँ तो तीसरी डायन भी है शुक्ला जी। आप कह रहे थे कुछ ऐसा, एक नहीं अनेक डायन है। मैं बता था कि तीन डायन। हाँ ती, जो तीसरी डायन है, इस विषय में आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। रियाज ने अपने कथन में कहा था कि उसे जब जाना था तो वो गया झाड़ियों में, और वहाँ झाड़ियों में उसे एक डायन ने डराया। तो पहली डायन ये स्वयं नैना जी जो नदी के पास थी, जिन्होंने परमीत को डराया। कौन है वहाँ? दूसरी डायन वो जो वैभवी के टेंट में थी, उनकी हत्या कर रही थी। तीसरी डायन जो रियाज ने कहा कि उसने रियाज को डराया झाड़ियों में, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि रियाज झूठ बोल रहा है? क्या लगता है आपको? क्यों रियाज, जरा आइए ना कट घर में, बताइए ना हमसे, झूठ बोला था तुम? हाँ सर, उस रात मैंने झूठ बोला था, मुझ पर कोई डायन ने हमला नहीं किया था। क्यों झूठ बोला रियाज? मैं संकोच हो रहा है तुम्हें बोलते? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरे साथ साथ बोलिए। रिपीट आफ्टर मी। मैं अक्सर वैभवी को डराया करता था। सर, मैं अक्सर वैभवी को डराया करता था। उस रात भी मैं वैभवी को डराना चाहता था। उस रात को भी मैं वैभवी को डराना चाहता था। वो मुखौटा जो आपके सहायक वरुण को मिला, वो महिपाल की टोली का नहीं, मेरा ही है। तुम्हारा मुखौटा है वो।
तुम्हारा मुखौटा है तो बताओ तुम्हारा मुखौटा है। हाँ सर, वो मेरा मुखौटा। और उस मुखौटे को पहन के मैं वैभवी के टेंट में गया था, बताइए। जी सर, मैं ही वो पहन के गया था। वहां तुमने बाहर झमक सिंह की कुल्हाड़ी पड़ी देखी, सोचा कि इसे लेकर डराऊंगा तो मजा आए। फिर तुम वैभवी के टेंट में घुसे और उसे डराने लगे, किंतु कुल्हाड़ी का ब्लेड ढीला था और तुम्हारे कुल्हाड़ी चलाने से वो उतर कर वैभवी के सर पर लगे, जिसके कारण तुरंत उनकी मृत्यु हुई। पास पड़े तौलिए को लेकर तुमने उसके घाव से बहते हुए खून को रोकना चाहा। जिस तौलिए को देखकर मुझे संदेह हुआ कि हत्या हत्या नहीं हादसा है, एक भूल जो तुमसे हो, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी। तुमने सोचा वैभवी की मृत्यु के लिए तुम्हें दोषी माना था, इसीलिए तुमने वहीं एक योजना बनाई, जमक सिंह लक्कड़हारे को फंसाने का, और वहां से भागे सीधा जेकब की ओर और उसे उठा दिया ताकि तुम्हें एक चश्मदीद गवाह मिल जाए। और फिर वहां से भागे जंगल में अपना मुखौटा पहनकर और वापस लौटे अपनी मनगढ़ंत कहानी लेकर। सॉरी सर, तो मेरे से गलती हो गई थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर, वैभवी मेरी दोस्त है सर, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। यस, गलत जानती है कि तुम वैभवी को मारना नहीं चाहते थे, मृत्यु भूल से हुई, भाग्यवश तुम्हारे हाथों कभी कभी जीवन में मजाक की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब यही उम्मीद है कि न्यायाधीश महोदय तुम पर थोड़ा रहम करें। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत रियाज शेख को वैभवी पांडे की हत्या के लिए दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और लकड़हारे झमक सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। कंग्रेचुलेशन सर। देखा दुल्हन के जोड़े में डाले, सुना तेरी शादी हो रही है शिफानी के साथ, सब चेक कर नहीं यूं कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं भाई को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.